हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 13B के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बेयर एक्ट के साथ लाइन बाय लाइन समझा था। हमने डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को विथ केस लॉज समझ लिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो बेसिकली टाइम पीरियड के बारे में बात करता है कि कब किसी डाइवोर्स पिटिशन को पार्टीज के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा बिफोर द कोर्ट। जब हमने सेक्शन 13B को पढ़ा तो उसके साथ हमने सेक्शन 14 को रेफर किया था, जिसमें हमने ये जाना कि सेक्शन 14 क्लियरली ये कहता है कि नो पिटिशन ऑफ डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। डाइवोर्स से जुड़ा हुआ कोई भी पिटिशन विवाह के 1 साल के अंदर अंदर प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है और कोई कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है उस पिटिशन को एंटरटेन करने के लिए। तो जो बेसिक रूल है सेक्शन 14 में वो ये है कि विद इन 1 ईयर ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज नो डाइवोर्स पिटिशन शैल बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। तो यहां पे हम दोनों तरह के डाइवोर्स पिटिशन के बारे में बात करते हैं, कंटेस्टेड डाइवोर्स एज वेल एज म्यूचुअल डाइवोर्स, राइट। लेकिन सेक्शन 14 में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिन एक्सेप्शंस में हम यानी पार्टीज टू द मैरिज विद इन 1 ईयर ऑफ दियर मैरिज डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं और कोर्ट उन पिटिशंस को एंटरटेन कर सकता है अगर उन पिटिशंस को सेक्शन 14 के एक्सेप्शंस में प्रेजेंट किया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम सेक्शन 14 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बेयर एक्ट के साथ पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आई एम श्योर कि सेक्शन 14 आपको कभी नहीं भूलेगा, राइट। चलो, तो जो भी डाइवोर्स पिटिशन फाइल किए जाएंगे वो सेक्शन 14 को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे, राइट। फिर चाहे जो डाइवोर्स पिटिशन प्रेजेंट किया जा रहा है वो अंडर सेक्शन 13 किया जा रहा है, यानी अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ अदर स्पाउस, जिसे आप कंटेस्टेड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स कह रहे हो, या दैट फॉर्म ऑफ डाइवोर्स इज टू बी प्रेजेंटेड विच इज प्रेजेंटेड बाई बोथ द पार्टीज म्यूचुअल, यानी अगर वो डाइवोर्स पिटिशन अंडर सेक्शन 13B है तो भी सेक्शन 14 के प्रोविजंस लागू होंगे। तो सेक्शन 14 क्लियरली ये कहता है कि नो पिटिशन ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स से जुड़ा हुआ कोई भी पिटिशन, फिर चाहे वो 13B का पिटिशन हो या केवल सेक्शन 13 का पिटिशन हो, उसे प्रेजेंट नहीं किया जाएगा जिस दिन विवाह संपन्न हुआ उस तारीख से 1 साल के अंदर अंदर। बट देयर आर सम एक्सेप्शन विच वी विल टॉक इन दिस वीडियो। तो क्या कहता है सेक्शन 14? इट शैल, तो सेक्शन 14 का जो सब सेक्शन 1 है वो बेसिकली जनरल रूल के बारे में बात करता है, राइट। और इसी के बाद प्रोविजो है जो इसके एक्सेप्शन के बारे में बात करता है, राइट। तो चलिए आप अपने बेयर एक्ट को ओपन कर लीजिए और अब हम बेयर एक्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे, राइट। इट शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट for any court to entertain any petition for dissolution of marriage by decree of divorce unless at the date of
presentation of petition 1 year has elapsed since the date of marriage. So basically section 14 का subsection 1 ये clear करता है कि कोई भी court से मतलब है यहाँ पे district court हो सकता है या अलग से अगर family court है तो वो भी हो सकता है, right? तो कोई भी court इस section के तहत competent नहीं है उन सभी divorce petitions को entertain करने में और decree of divorce grant करने में, अगर वो जो petition present किया गया है parties के द्वारा वो जिस दिन विवाह संपन्न हुआ उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर प्रेजेंट किया गया, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि नो कोर्ट शैल बी कॉम्पिटेंट टू एंटरटेन द पिटिशन ऑफ डाइवोर्स एंड पास डिक्री ऑफ डाइवोर्स इफ दैट पिटिशन हैज बीन प्रेजेंटेड बाय आइदर पार्टी विद इन 1 ईयर ऑफ देयर मैरिज, राइट? तो ये जनरल रूल है. अब देखो यहां पे लिखा है एनी पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी सेक्शन 13 भी कवर हो गया और सेक्शन 13 बी ये भी कवर हो गया. तो यानी जिस दिन विवाह संपन्न हुआ उस दिन से अगर 1 साल या उससे ज्यादा का समय बीत चुका है तभी पार्टीज टू द मैरिज यानी हस्बैंड या वाइफ कॉम्पिटेंट है डाइवोर्स पिटिशन फाइल करने में. लेकिन एक्सेप्शन क्या है तो आइए प्रोविजो को हम पढ़ते हैं. प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में, अब यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है वो है मे, यानी इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है. यहां पे कोर्ट बाउंड नहीं है, जैसे पहला जो हमने पढ़ा इट शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट, तो यहां पे मैंडेटरी कर दिया गया है सेक्शन 14 में कि कोई भी कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है किसी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के पिटीशन को एंटरटेन करने में यदि उस पिटीशन को विवाह के 1 साल के अंदर अंदर प्रेजेंट किया गया. लेकिन जो एक्सेप्शन है जिसमें कोर्ट विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज डिक्री ऑफ डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है, तो यहां पे कोर्ट क्या है, कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि कोर्ट विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज डाइवोर्स की डिग्री पास करे या ना करे. तो क्या कह रहे हैं, द कोर्ट में अपॉन एप्लीकेशन मेड टू इट इन अकॉर्डिंग विथ सच रूल्स एज मे बी मेड बाय हाई कोर्ट इन दैट बिहाफ, तो अगर हाई कोर्ट सेक्शन 14 के बिहाफ में कोई रूल बनाता है तो उसके अकॉर्डिंग में कोर्ट विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट कर सकता है हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए. अलाउ अ पिटिशन टू बी प्रेजेंटेड, और अलाउ कर सकता है पार्टीज को कि वो डाइवोर्स के पिटिशन को प्रेजेंट कर सकें विवाह के 1 साल के अंदर अंदर since the date of marriage on the ground that is ground par ki the case is one of the exceptional hardship or of exceptional deep gravity. To yahan pe do word hai, ek hai exceptional hardship aur dusra exceptional deep gravity. जो पिटिशनर है जिसने डाइवोर्स पिटिशन को विवाह के 1 साल के अंदर अंदर प्रेजेंट किया है वो पिटिशनर रिस्पोंडेंट के साथ एक्सेप्शनल हार्डशिप में अपना जीवन यापन कर रहा है या कर रही है. जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ इज बीइंग बीटन ऑन रेगुलर बेसिस बाय हर हस्बैंड, उसका पति उसे हर रोज
बुरी तरह से मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है। और ये चीजें एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होती, राइट, जिससे उसका जो पर्सनल लाइफ है, जो फ्रीडम है, वो कहीं ना कहीं खतरे में है। इट मेक हर लाइफ मिजरेबल या एक्सेप्शनल डिप्रेविटी सिचुएशन कुछ ऐसा है, उनके बीच जो इन्वायरमेंट है कुछ ऐसा है कि पत्नी को अब पति के साथ रहने में डर लगता है, उसके पास अब कोई अदर ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय इसके कि वो अब चाहती है कि वो खुद को खत्म कर ले, राइट। तो एक्सेप्शनल हार्डशिप, एक्सेप्शनल डिप्रेविटी, यानी जो सिचुएशन है वो बियॉन्ड द एक्सेप्शन है, कुछ भी ठीक नहीं है और ना ही ठीक हो सकता है, राइट। बट इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट एट द टाइम ऑफ हियरिंग द पिटिशन, लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा मालूम पड़ता है उस याचिका के सुनवाई के दौरान, दैट पिटिशनर ऑब्टेन्ड लीव परमिशन टू प्रेजेंट द पिटिशन बाई एनी मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ नेचर ऑफ केस। अब मान लो कोर्ट को उस डाइवोर्स पिटिशन के सुनवाई के दौरान ऐसा पता चलता है कि पिटिशनर ने कोर्ट से जो परमिशन लिया, जो परमिशन उसे अलाउ हुआ कि ठीक है तुम जनरल रूल के एक्सेप्शन के तहत अपने पिटिशन को विवाह के एक साल के अंदर अंदर प्रेजेंट कर दो, तो सपोज कोर्ट ने उस पिटिशन को अलाउ कर दिया था और उस पिटिशन पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था, फिर बीच में कोर्ट को ऐसा पता चलता है कि कोर्ट को मिस रिप्रेजेंट किया गया है, जो एक्चुअल फैक्ट हैं, जो एक्चुअल सर्कमस्टांसेस हैं, उन्हें छिपाया गया है, टू मिसलीड द कोर्ट, टू मिस रिप्रेजेंट द फैक्ट, राइट। और अगर कोर्ट डिक्री पास करता है, राइट, तो कहता है डू सो सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट डिक्री शैल नॉट हैव इफेक्ट अंटिल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। सपोज करो कि कोर्ट को ऐसा लगा कि जो केस है, जो सिचुएशन है, वो इन दोनों में से किसी एक में फॉल कर रहा है, और कोर्ट ने इस जनरल रूल के अगेंस्ट जाकर के पिटिशनर को अलाउ कर दिया था कि तुम डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर दो, और उसने विद इन वन ईयर ऑफ मैरिज अंडर द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 14 डाइवोर्स पिटिशन फाइल कर दिया। उस पिटिशन के सुनवाई के दौरान कोर्ट को अगर ये पता चलता है कि कोर्ट को मिस रिप्रेजेंट किया गया है, कोर्ट को मिसलीड किया गया है, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो छिपाए गए हैं, इन केस अगर कोर्ट डिक्री पास करता भी है तो कोर्ट ये कंडीशन इम्पोज कर सकता है कि इस डिक्री का जो एनफोर्समेंट होगा वो उस दिन से होगा जिस दिन उनके विवाह को संपन्न हुए एक साल का समय बीत जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो विवाह के 10वें महीने तक इस डाइवोर्स पिटिशन को प्रेजेंट किया गया था और उस 10वें महीने के पहली तारीख को कोर्ट ने डिक्री पास कर दी थी, बाद में कोर्ट को पता चलता है कि कोर्ट के साथ फ्रॉड हुआ है, कोर्ट को मिसगाइड किया गया है, तो कोर्ट ये कंडीशन इम्पोज कर सकती है कि ये जो डिक्री होगा वो आफ्टर 2 मंथ्स, यानी जिस दिन विवाह को संपन्न हुए एक साल बीत जाएगा, एक साल पूरा हो जाएगा, उस दिन से ये डिक्री लागू होगी, राइट। आई होप कि यहां तक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप वीडियोस लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं, और मे डिसमिस द पिटिशन, तो एक तो अलाउ कर सकती है डिक्री लेकिन कंडीशन इम्पोज करके, या उस पिटिशन को डिसमिस कर सकती है लेकिन कुछ इस तरह से डिसमिस करेगी कि अगर विवाह के एक साल के बाद इस पिटिशन में जिन भी फैक्ट्स, जिन भी सर्कमस्टांसेस को मेंशन किया गया था, अगर सेम फैक्ट्स, सेम सर्कमस्टांसेस को मेंशन करके एक साल के बाद
पार्टीज कोई पिटीशन प्रेजेंट करते हैं, वो पिटीशन डाइवोर्स का हो सकता है, वो पिटीशन मेंटेनेंस का हो सकता है, कोई भी पिटीशन हो सकता है। तो अगर एक साल के बाद कोई पिटीशन प्रेजेंट किया जा रहा है पार्टी के द्वारा, तो उस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े, कोर्ट उसे डिसमिस नहीं कर सकती है इस ग्राउंड पर कि आपने विवाह के एक साल के अंदर यह पिटीशन फाइल कर रखा था। तो कोर्ट अगर पिटीशन को डिसमिस करती भी है तो इस तरह से करेगी कि एक साल के बाद अगर कोई पिटीशन प्रेजेंट किया जाता है पार्टीज के द्वारा, तो उस पर कोई निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। सेक्शन 14 जनरल रूल और एक्सेप्शन को हमने पढ़ लिया। अब सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि इन डिस्पोजिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन, अगर इस सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था और कोर्ट उस एप्लीकेशन को डिस्पोज कर रही है, एक साल के अंदर अंदर जिस दिन विवाह संपन्न हुआ उस दिन से एक साल के अंदर अंदर पिटीशन प्रेजेंट किया गया था डाइवोर्स का और कोर्ट उस पिटीशन को एंटरटेन करते हुए उसे डिस्पोज कर रही है, तो कोर्ट इन केस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग चाइल्ड बिकॉज पिटीशन हैज बीन प्रेजेंटेड विद इन 1 year ऑफ मैरिज, सो देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग चाइल्ड, या हो सकता है कि बच्चा पार्टीज का हो, तो उस बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पिटीशन को एंटरटेन करते हुए डिस्पोज करेगी कोर्ट, और उसके साथ ही ये एफर्ट लगाएगी कि इन दोनों के बीच कोहैबिटेशन हो जाए, इन दोनों के बीच रिकंसिलिएशन हो जाए बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ 1 year ऑफ मैरिज, राइट। तो ये था सेक्शन 14 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ समझाने की कोशिश करी। हमने बेयर एक्ट को पढ़ा लाइन बाय लाइन। अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो।